हेलो फ्रेंड्स, ये मैं हूँ आपका अपना आलसी ब्लॉगर अश्वनी अत्री और स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरे साथ है मेरी फ्रेंड ग्रेसी और हम दोनों जाने वाले हैं मेरे गांव। और ग्रेसी पहली बार दिल्ली से बाहर निकल के वही हरियाणा का गांव देखने जा रही है। वैसे पीछे खेत अभी भी दिख रहे हैं क्योंकि हम बॉर्डर पे आ चुके हैं और काफी इंजॉय करने वाली है ग्रेसी। तो पहला गांव का विजिट, एक्साइटेड हो? यस, शी इज सो एक्साइटेड। तो चलिए देखते हैं कैसा हमारा गांव का ट्रिप रहता है और वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजेदार होने वाली है, बीच बीच में स्किप मत करना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। ये देखो जो बॉर्डर है ग्रेसी, वो फाइनली 3 महीने बाद खुल गया है, नहीं तो 3 महीने से ये बिल्कुल सील्ड था रोड। और किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं आगे, तो किसान तो अभी भी है बॉर्डर पर, लेकिन जो बॉर्डर है वो खुल गया है जाने आने जाने के लिए। तो अच्छा यार, कम से कम बॉर्डर तो खुला। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं, तुम्हें दिखाता हूँ प्रोटेस्ट पे किस तरह से किसान बैठे हैं। किसान बैठे हैं सड़कों पर और ऐसे ही हाईवे पे पिछले 3 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और बैठे हुए हैं भाई अपने हक के लिए। देखो कब देती है सरकार, कब इनको सुनती है ना ग्रेसी। बहुत भाई, बहुत टाइम से बैठे हैं ये, तो देखो कब तक इनका सोल्यूशन निकलता है। और बहुत दूर तक बैठे हैं, पूरे रास्ते में बहादुरगढ़ तक हमें ये दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, गांव की सीमा में एंटर कर चुके हैं। उसका पॉइंट ये है कि ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये छोटी नहर है भाई, इसको बोलते छोटी नहर है लेकिन जब पापा बचपन में मुझे इसके अंदर डुबोते थे ना यार ग्रेसी, तो मुझे बहुत बड़ी लगती थी। तो अभी हम लोग गांव की सीमा पे और आ चुके हैं, यहीं पे नहाते थे। ये पीछे आप देख लो नहर, अभी तो खाली है, जब जरूरत होती है खेतों को तो पानी आता है इसमें। अभी आगे चलते हैं और पूरा गाँव आपको दिखाता हूँ, स्कूल वूल आएंगे मेरे, सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं। तो ये है फ्रेंड्स श्री ज्योति प्रकाश सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसी स्कूल से मैंने सेकंड पास किया यार ग्रेसी, सेकंड आया था मैं इसी स्कूल से। और अभी तो बंद सा लग रहा है शायद कोरोना काल की वजह से। एक जलेबी की दुकान होगी यहाँ कोने से, दोनों दुकान तो दिखा देना। ये है भाई गांव का बस स्टैंड। ये जो सामने है ये मेरा घर और वो जो बड़ा सा गेट है और उसके बगल में जो छोटा गेट है वो है मेरे दादाजी की साड़, हरियाणवी में बोले तो बैठक, उधर ही मेरे दादाजी रहते थे। चलो अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये एंटर कर गए हैं हम। लो पहले तो आप हमारी गैया से मिलो, ये गैया के, ये हमारी गैया के बच्चे और उनकी माताजी का, अरे उनकी माताजी नहीं है यहाँ पे, बस वही है। ये वाला जो घर है ये हमारा है, ये बंदी है, दिखाऊंगा, ये ताऊ जी का घर है। कौन है ताई? राम राम। ताई तो अंदर घुसी है। राम राम। अच्छा लगा ये मेरे साथ आई है। अच्छा। गांव देखने। अच्छा।
ये मेरे ताई जी हैं। नमस्ते। और ये ग्रेसी है, ठीक है। चलो ए वंशी, नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये भाभी है। नमस्ते। भैया है। नमस्ते भैया। दादी नमस्ते। केक रहे, रोटी खा ली? खा ले दो। ये मेरे साथ है, मेरे साथ काम करती है, ग्रेसी है। इनको गांव देखना था तो मैं इनको गांव विजिट करवाने के लिए लेके आया। ये दादी जी है मेरी, ठीक है। वो भैया भाभी है और ये वंशी है। ये हमें करतब करके दिखा रहा है, ठीक है। के उपले देखे थे इससे पहले कभी? हाँ देखे तो है, बट इतने पास से नहीं देखे। चलो आओ तुम्हें ऊपर से। ये हमारा घर है। हाँ यही, मतलब मेन हमारा तो यही है। वो ताऊ जी का है। ये देखो कैसे कबाड़ हुआ पड़ा है, सब बंद है। ये दादी जी का कमरा हुआ करता था। ये हमारा फ्रिज का कमरा हुआ करता था, इसमें फ्रिज वगैरह रहता था। और ये चाची जी का, वो हमारा कोई नहीं रहता। और ये हमारी रसोई थी, ठीक है। और ये जो बगड़ है ना, इधर मैं और दादी सोते थे बचपन में। मतलब मेरा बचपन, दादी तो दादी थी, ठीक है। चलो छत से दिखाता हूँ। लो ग्रेसी भैंसे देख लो, भैंसे टेकिंग बाथ। कितना मस्त नहा रही है सारी। और ये इनके गोबर के उपले देख लो। यही आजकल शहरों में लोग ऑनलाइन खरीद लें फ्लिपकार्ट पे, काउडंग केक। और ये होली आ रही है तो बिड़कले भी बना रखे हैं होलिका दहन के लिए। और भैया आ गया हमारा देसी खाना, ये देख रहे हो मक्खन एकदम ओरिजिनल। और ये लस्सी, सलाद, ग्रेसी के लिए स्पेशल मिर्ची का अचार। भाई मैं तो खाता नहीं मिर्ची, हमने तो भाई आम और नींबू का ले रखा है। चलो खाओ। ये है ज्यादा जमुनादास जी की, महाराज की, वो छतरी बोलते हैं इसको। अच्छा। ये छतरी है, इधर मेला लगता है हर साल बाबा जमुनादास जी के नाम का। पूरे गांव में झांकी निकलती है और मतलब बहुत नाच गाना होता है, सब कुछ होता है। और यहाँ पूरा ये मंदिर मतलब बहुत अच्छे से सजा होता है और बहुत बड़ा मेला लगता है इस पूरे रोड पे जिसपे हम लोग आ रहे हैं। और ये इधर राइट साइड में है गर्ल्स का स्कूल, राजकीय वरिष्ठ कन्या महाविद्यालय। इसमें से मेरी बहन पढ़ी है। अच्छा, साथ ही ये घर के था? हाँ मतलब यहीं पढ़ती थी बहन। ये 12th तक हो गया ये स्कूल। एक मिनट। और ये जो है ना, ये जितने भी ये बिल्डिंगें दिख रही हैं, हाँ। ये सब पटवार भवन और सरपंच जी के लिए जो बैठक लगती है। और फिर ये SBI बैंक गाँव का, ये हमारी ब्रांच है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ चलो थोड़ा काम कराते हैं यहाँ जाके। मतलब फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं खेतों में और ये रही ग्रेसी। तो कैसे लगे ग्रेसी हमारे खेत? बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और ये ट्यूबवेल चल रहा है, हम तो भाई यहीं नहाते हैं जब गांव आते हैं, पर तुम ये मौका मिस करोगी। और ये इसको जो पीछे खेतों में ऐसे बनाए जाते हैं, इसको कोठड़ा बोलते हैं। ये बाकी सारा मशीनरी वशीनरी ये सब इसी के अंदर होता है। और दिखाता हूँ आपको, ये आप एक मंदिर देख रहे हैं, ये हमारे खान दादा का मंदिर है। थोड़ा और नज़दीक से दिखाता हूँ ले जाके। ये देखिए, ये खान दादा है हमारे। यहाँ पे सब हर मावस के दिन
यहाँ पे खीर चढ़ाई जाती है जो जानवर खाते हैं। जय थान दादा की, जय कर लो भाई, हमारे थान दादा हैं ये। यही हम सबकी रखवाली करते हैं। और ये केले का पेड़ लगाया था हमने जब हम छोटे छोटे थे, तब से है ये यहाँ पे। और इधर जो ये ट्यूबवेल है ना हमारा, यहाँ पे भी हमारा एक पेड़ होता था जामुन का, वो ज़्यादा भारी हो गया तो गिर गया। और वो एक जामुन का पेड़ है पीछे, उस पर बहुत, जब जामुन का सीजन आता है तो बहुत जामुन लगते हैं। और अंदर ताऊ जी हैं, वो तैयार कर रहे हैं जानवरों के लिए चारा। देखो अंदर दिखाता हूँ, ये रे ताऊ जी। और ये सारा, ये गंडासा है और चारा तैयार हो गया है। चलो एंजॉय करते हैं खेतों को। सोच तो रहा हूं मैं नहा लूं। अभी एंजॉय करना शुरू ही किया था, पानी में उतरे ही थे, लाइट चली गई, ट्यूबवेल हमारा बंद हो गया और अब हम क्या ही कर सकते हैं। तो भाई यही था, लास्ट था, मतलब पूरा गांव मैंने आपको घुमा दिया, ग्रेसी को घुमा दिया। और लास्ट में हम खेतों में आए थे थोड़ा एंजॉय करने के लिए, ताकि पूरा जो हमारा ये एक दिन का ट्रिप है अपने गाँव का, वो एंजॉयमेंट के साथ खत्म हो। लेकिन वो एंजॉयमेंट हमें 5 मिनट करने को मिला। और अभी मैं आपको ग्रेसी का रिव्यू दिखा देता हूँ, उसको मेरा गांव फाइनली कैसा लगा। अब तक तो उसने बहुत तारीफ की है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है। एक हाँ, तो ग्रेसी कैसा लगा गांव फाइनली, सच्ची सच्ची बोलना। हाँ, नहीं सच्ची सच्ची बोल रही हूँ, गाँव बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ का खाना भी एकदम देसी स्टाइल का, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेडियम देखा, तो स्टेडियम इट वॉज रियली वेरी नाइस। और अभी जैसे कि पानी देखा, ये लोग नहा रहे थे तो बहुत अच्छा लगा इन्हें देखकर भी। बट हाँ, इन्हें मेरी नजर लग गई क्योंकि मैं नहीं नहा पाई ना, तो इसलिए वो बिजली चली गई। मतलब तुम ही हो ये काली नजर। मैं ही हूँ। हमारा मजा खराब कर दिया इस लड़की ने, है ना वंश? हाँ, कि मेरा भी तो नहीं हुआ ना फिर मजा। अच्छा हाँ, तुम्हें भी यही ना। नहीं, फाइनली गांव इज वेरी नाइस, यहाँ के खेत बहुत ही, मतलब ग्रीनरी है बहुत, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ओके ओके, तो फ्रेंड्स देखा, यही है काली नजर वाली लड़की जिसने हमारे नहाने पे, हमारी एंजॉयमेंट पे नजर लगा दी। लेकिन आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक शेयर कमेंट करके बताना बेस्ट पार्ट। और बाकी सब्सक्राइब कर ही देना यार चैनल को, बेल आइकॉन को दबा देना, बार बार बोलता हूँ यार दबा दो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो और दबा के शेयर कर दो वीडियो को। और नीचे इंस्टाग्राम हैंडल भी आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो, वहाँ भी अब काफ़ी सारी स्टोरीज आपको मिलने वाली हैं, काफ़ी तरह की चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग वीडियो में।